मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है, मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ, उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, इसको तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा नहीं आता। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे देश के दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे ओलंपिक खिलाड़ी और विजेता, अपने ही कुश्ती संघ के खिलाफ इनका विरोध प्रदर्शन शाम तक चलता रहा। इन खिलाड़ियों ने फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाए। फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, मतलब जी 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 एक आपने कोचेज की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही, और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। ये वो पहलवान हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, वर्ल्ड चैंपियन, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक तक में इनमें से अलग अलग खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, मगर सबको कुश्ती संघ की व्यवस्था से शिकायत है। हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है, अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा है फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हम माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले, मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। डिमांड यही है कि खिलाड़ी देखिए ये हमारे साथ हो रहा है जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं, हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था मैं, तब से रिजल्ट दे रहा हूँ, और विनय सर भी तब से हैं, तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दीजिए, जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीज़ें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। खिलाड़ियों के इस विरोध प्रदर्शन ने फेडरेशन को भी सामने आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जब अध्यक्ष से पूछा गया कि अपने ऊपर यौन शोषण के आरोप देखते हुए क्या वो इस्तीफा देंगे, तो उनका जवाब कुछ इस तरह रहा। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यानी ये रवैया बताता है कि खिलाड़ियों के लिए अपने न्याय की लड़ाई लंबी होने जा रही है। ये हैरानी वाली बात है कि देश के इतने बड़े खिलाड़ी जो ओलंपिक पदक विजेता हैं वो अखाड़ा छोड़कर जंतर मंतर पर बैठे हैं और अपने फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इनके आरोपों को फेडरेशन किस तरह से लेता है। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।